This is the second video of chapter 3, Synthetic Fibers and Plastics. Today, in this video, we will read about plastics. Plastics, all of you know what is plastic actually. Plastic, जिसके आजकल हमारे जो day to day life में बहुत different type के जो materials हैं, बहुत different type के objects हैं, हम plastic के use में लेते हैं. Even हम अगर एक single platinum ये सोचे कि without plastic अगर हम आज का पूरा दिन बिताएंगे तो ये possible नहीं है. हमारे जो day to day life में घर के जो utensils में से लेकर के office में जो काम आने वाली चीजें वहाँ या आपके स्कूल में आपको जो कंप्यूटर है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, जो भी इस्तेमाल करते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उन सब में एवरीवेयर इन डिफरेंट फॉर्म्स प्लास्टिक इज यूज्ड. सो विदाउट प्लास्टिक नाउअडेज लाइफ हैज बिकम इम्पॉसिबल. सो इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक. एक्चुअली प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर. जैसे सिंथेटिक फाइबर्स को आपको बताया था, दीज आर द पॉलीमर्स. इन द सेम मैनर प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स. दीज आर मेड अप ऑफ मोनोमर यूनिट्स. एंड हाउ प्लास्टिक्स आर प्रिपेयर्ड? दे आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल, विद द हेल्प बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन. सो हियर अ प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल जिसे आप अगर गर्म करते हैं, ऑन बीइंग हीटेड इट विल बिकम सॉफ्ट. और इसे जो है आप अगेन वापस जो है अलग अलग शेप्स में जो है इसे मोल्ड किया जा सकता है. एंड व्हेन इट विल बिकम कूल इट विल बिकम अगेन हार्ड और वो अपना शेप जो होता है वो ऑब्टेंड कर लेता है. सो दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एज वेल. तो हम इस वीडियो में कुछ प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथिलीन, बेकेलाइट, मेलामाइन एक्सेट्रा. नाउ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक वो टाइप ऑफ प्लास्टिक होता है जिसे गर्म करके बार बार हम डिफरेंट फॉर्म्स में मोल्ड कर सकते हैं एंड वी कैन यूज देम अगेन, जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है. एंड सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिक इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज सच टाइप ऑफ प्लास्टिक जिसे अगर आप एक बार जो है वो गर्म करके किसी भी एक फॉर्म में आपने उसको मोल्ड कर दिया है, आफ्टर दैट आप उसे फिर से मेल्ट करके किसी और रूप में मोल्ड नहीं कर सकते. दैट मीन्स इट कैन बी यूज वंस ओनली. उसका जो है वो एक ही बार एक फॉर्म में जो है वो लाया जा सकता है, उसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, उसे बार बार नए नए फॉर्म्स में नहीं बनाया जा सकता. सो इन दिस चैप्टर, इन दिस टेबल विच इज शोइंग हियर, you can understand the differences between these two types of plastics. First, हम जो parameters में जो सबसे पहला जो लेते हैं that is nature. Nature हम जो thermoplastics का जो nature है, thermoplastic वो plastic है which can be melted repeatedly by heating, hardened on cooling and can be molded again and again into different shapes. Now, the second is thermosetting plastic. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? इट इज अ प्लास्टिक विच वंस मोल्डेड इनटू अ पर्टिकुलर शेप. जैसे अगर एक बार किसी शेप में आपने जो है उसे मोल्ड किया है, डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी मोल्डेड अ सेकेंड टाइम. ठीक है, वापस हम उसे गर्म करके फिर से मैं सॉफ्ट नहीं कर सकते, मेल्ट नहीं कर सकते. नाउ द सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ हीट. जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ऑन हीटिंग दे बिकम सॉफ्ट, जबकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं वो गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होते. नाउ टफनेस. थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो कम टफ रहते हैं, दे आर लेसर टफ, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर मोर टफ एंड रिजिड. नाउ इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर जो होता है उसके लिए लेस रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे पॉलीथीन वगैरह, पीवीसी पाइप्स वगैरह, तो इमीजिएटली जो होता है वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएंगे अगर आप हाई टेम्परेचर में. वो क्या होता है, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है अपना फॉर्म जो होता है वो, समटाइम्स दे कैन लूज देयर फॉर्म ऑल्सो. वाइल दीज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दे आर मोर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर्स.
Now, if we talk about recycling, thermoplastics can be recycled, जबकि thermosetting plastics को recycling नहीं किया जा सकता. Now, what are the examples of thermoplastic? Thermoplastic के जो example है, जैसे polythene है, PVC है, ये जो है वो thermoplastic example है, जबकि bakelite है, melamine है, formica, these are the examples of thermosetting plastics. Now, we will discuss some general properties and at the same time, the uses of the different types of plastics. First हम प्लास्टिक की बात करते हैं. प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव. नॉन रिएक्टिव मतलब जैसे आप जानते हैं मेटल्स जो होते हैं दे कैन गेट कोरोडेड ड्यू टू डिफरेंट कंडीशन लाइक मॉइस्चर टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन उन सब और डिफरेंट गैसेस से भी अलग अलग टाइप के मेटल अलग अलग रीजन के कारण जो होता है कोरोड हो सकती है. बट दीज प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव और इस वजह से इनके ऊपर जो है वो डिफरेंट केमिकल्स का जो है वो असर नहीं होता. सो इसलिए हम इसे जो है वो नॉन रिएक्टिव कह सकते हैं इनर्ट कह सकते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट केमिकल्स. और इसी वजह से आपको पता है कि जैसे पीवीसी है पीवीसी के जो है वो पाइप्स बनाए जाते हैं नाउ डेज जो आयरन के जो पाइप्स जो होते थे वो उनको रिप्लेस किया जाता है पीवीसी पाइप से. क्यों? क्योंकि वो उसमें रस्टिंग नहीं होगा एंड दैट्स व्हाई दे कैन बी यूज फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड प्रॉपरली. तो इस वजह से जो हम पीवीसी के पाइप जो है वो इस्तेमाल करते हैं. देन डिफरेंट जैसे वाटर टैंक्स के लिए सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह के लिए. नाउ पीवीसी इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सोल्स ऑफ शूज. आप लोगों को पता है पीयू सोल जिसे हम कहते हैं डिफरेंट जो फुटवेयर होते हैं उसके अंदर जो सोल होता है वो पीवीसी का बनाया रहता है. क्यों? क्योंकि ये जो होता है वो टफ भी रहेगा और कंफर्टेबल भी रहता है और इजीली जो है इसके ऊपर किसी चीज़ का रिएक्शन नहीं होता. नाउ डिफरेंट हैंड बैग्स बाथरूम कर्टेंस एक्सेट्रा रेन कोट्स ऑल दिस कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम द पीवीसी प्लास्टिक. नाउ द सेकंड इज प्लास्टिक्स आर लाइट. प्लास्टिक्स जो होते हैं वो वेट में जो है वो बहुत ही लाइट इन वेट होते हैं. ये वैसे भी मोस्टली सारे जो यूटेंसिल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक दे आर लाइट इन वेट. बट स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट दिस पॉइंट दैट प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट टाइप ऑफ प्लास्टिक कम्स इन आवर माइंड एंड दैट इज थर्मोकोल. थर्मोकोल जो होता है वो होता है जिसके डिफरेंट टाइप के डिस्पोजेबल आइटम्स जो होते हैं वो यूज में लिए जाते हैं थर्मोकोल के. एंड नॉट ओनली दिस बट दिस थर्मोकोल कैन ऑल्सो बी यूज एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर सच टाइप ऑफ आर्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी सार फ्रेजाइल जो गिरने से टूट सकते हैं जो किसी जग्स वगैरह से जो है वो ब्रेक हो सकते हैं. सच टाइप ऑफ आइटम जैसे रेफ्रिजरेटर है कंप्यूटर है सेलफोन से इन सबको जो है प्रॉपरली पैक किसमें किया जाता है थर्मोकोल में किया जाता है ताकि उसको जो है वो सेफली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. नाउ प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल जैसे मेलामाइन पॉलीथीन है पीवीसी सभी प्लास्टिक जो होते हैं ऑल टाइम मेलामाइन वगैरह जो होते हैं इसके बहुत सारे कोक जो किचन वेयर जो होता है वो कुकिंग सेट वगैरह ये सब चीज़ें इसकी बनाई जाती है. इवन फ्लोर टाइल्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम दिस सम फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक इज ऑल्सो मेड फ्रॉम मेलामाइन. नाउ पॉलीथीन जो होता है वो हम लोग सब बहुत फेमिलियर पॉलीथीन एवरी डे वी यूज एज अ कैरी बैग उसको पॉलीथीन को हम इस्तेमाल करते हैं. दिस पॉलीथीन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सेलो टेप्स एक्सेट्रा एडिसिव टेप्स वगैरह बनाने के लिए काम आता है और डिफरेंट पाइप जो कि लिक्विड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस से ट्रांसपोर्ट किया जाता है दैट ऑल्सो पॉलीथीन पाइप्स आर यूज. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पीवीसी. पीवीसी का जो तो बहुत ज़्यादा यूज में होता है. सो हियर फॉर इफ यू टॉक अबाउट दैट प्लास्टिक इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल तो पीवीसी का जो यूज होता है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स फर्नीचर्स बॉटल्स एंड टॉयज फॉर किड्स एटसेट्रा. नाउ प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एज वेल. प्लास्टिक जो होते हैं वो हीट के भी जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर होते हैं. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी पुअर कंडक्टर इसी वजह से आप लोगों को पता होगा जैसे जो स्विचेस हैं जो प्लग्स वगैरह जो होते हैं उनको बहुत ही हार्ड होते हैं तो उनको जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए भाई इस टाइप के जो
प्लास्टिक का भी लेते हैं विच इज हार्ड एनफ, जो अपना फॉर्म जो होता है वो रिगेन, वो जो अपना फॉर्म जो होता है लूज नहीं करता है। एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है उसके लिए भी वो रेजिस्टेंट होता है। तो सच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज यूज टू मेकिंग स्विचेस एंड प्लग्स एंड दैट इज बेकेलाइट। एंड नाउ पीवीसी, पीवीसी जो होता है वो जो भी वायर्स आप देखते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स, उसमें बीच में जो है कॉपर वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग रहती है। दिस इंसुलेशन इज डन टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड दैट इज पीवीसी। पीवीसी जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर्स को कोट करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी से जो होने वाले एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। प्लास्टिक जो होते हैं जो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसके लिए हमने बेकेलाइट और पीवीसी का एग्जांपल लिया। नाउ प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और एनर्जी, इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे अगेन बेकेलाइट और पॉलिस्टाइरीन। बेकेलाइट जो प्लास्टिक जो होता है वो हीट का पुअर कंडक्टर है, हीट का पुअर कंडक्टर इट मीन्स जो है ये इजीली जो है वो हाई टेम्परेचर पर भी क्या होगा गर्म नहीं होगा। इसी वजह से जो होता है बहुत सारे जो कुकिंग वेयर्स होते हैं, जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक दैट इज बेकेलाइट, जिससे हम आप जो होते हैं किचन ये यूटेंसिल जो गर्म होता है उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट बेकेलाइट। नाउ टेरिन पॉलिस्टाइरीन जो होता है वो थर्मल इंसुलेटर है पॉलिस्टाइरीन, एंड इट इज फिल्ड इन द होलो वॉल्स ऑफ जैसे रेफ्रिजरेटर्स है, एयर कूलर्स है, थर्मस फ्लास्क वगैरह जो होते हैं, इनके इनकी जो वॉल्स होती है उसके अंदर जो प्लास्टिक फिल किया जाता है दैट इज पॉलीस्टाइरीन। और इसलिए क्या करेगा इट बिकॉज इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये जो है वो अंदर जो भी लिक्विड अगर गर्म फिल किया अगर उस थर्मस के अंदर, तो उसकी हीट को बाहर नहीं जाने देगा और बाहर से जो है वो अंदर में आने देगा। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर एसी वगैरह जो होते हैं इनके लिए भी जो है ये थर्मल इंसुलेटर का काम करता है। नाउ जो कुछ आइस बॉक्स वगैरह जो बनाए जाते हैं उस जिसके अंदर जो है वो आपको आइस को जो है वो लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है विदाउट रेफ्रिजरेटर, तो देयर ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दैट आइस बॉक्स वी कैन स्टोर इट फॉर लॉन्गर पीरियड। नाउ प्लास्टिक जो होते हैं दे आर इनर्ट टू केमिकल्स, इनर्ट मीन्स केमिकल्स का इजीली इसके ऊपर रिएक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोगों को पता होगा हम किचन में बहुत सारे जो है वो नॉन स्टिक कुकिंग वेयर्स काम में लेते हैं, एंड इन दीज नॉन स्टिक कुकिंग वेयर्स यू नो दैट अ ब्लैक कलर कोटिंग इज देयर फाउंड देयर। ये जो ब्लैक कलर का जो केमिकल अप्लाई किया गया अगर आप उसको स्क्रेच करेंगे तो वो वहाँ से हट जाएगा। तो हमें जो है वो इसमें उसको स्क्रेचिंग से बचाने के लिए भी यूज सम टाइप ऑफ वुडन स्पून ऑन स्पैचुला एक्सेट्रा वी यूज फॉर दैट। हम उसके अंदर से जो है वो मेटलिक स्पून वगैरह काम में नहीं लेते बिकॉज इफ वी स्क्रेच इट विद द मेटलिक स्पून दिस टेफ्लॉन कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर। सो दिस टेफ्लॉन ये जो केमिकल इट इज एक्चुअली ये ब्रांड नेम ऑफ अ कंपनी जिसने सबसे पहले जो है वो इसको इस्तेमाल किया था, तो उसी नाम से जो है वो ये कंपाउंड भी जो है वो पॉपुलर हो गया। सो इट्स व्हाट इज टेफ्लॉन एक्चुअली पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। सो इथाइलिन जो एक कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन को जो है वो फ्लोरीन से रिप्लेस किया जाता है। सो ये पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टेफ्लॉन। तो इस टेफ्लॉन को जो है वो नॉन स्टिक कुकिंग वेयर्स में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एंड विच इज मोस्ट पॉपुलर नाउडेज। नाउ प्लास्टिक्स आर इनसोल्युबल इन वाटर एंड दैट्स व्हाई जो वाटर स्टोर करने के लिए जैसे बकेट्स वगैरह टैंक्स वगैरह मेनी ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स आर हाईली इनफ्लेमेबल, दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑल्सो ऑफ द प्लास्टिक, क्योंकि जल्दी से जो है वो इट कैन कैच द फायर, इट कैन बर्न इजीली, बट एट दैट टाइम इट प्रोड्यूस हार्मफुल पॉइजनस गैसेस ऑल्सो, और इस वजह से जो है हमारे लिए नुकसानदायक भी है। नाउ वी रीड अबाउट प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट, यू नो दैट प्लास्टिक जो होते हैं दीज आर द सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स। तो ये जो केमिकल से बनी हुई जो भी चीज़ है चाहे सिंथेटिक फाइबर्स है चाहे प्लास्टिक है दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल,
नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि द सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डीकम्पोज विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, हम उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. जबकि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं विच आर एक्चुअली प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, दे कैन बी डीकम्पोज बाई डीकम्पोजर्स इन टू सिंपलर सब्सटेंसेज. And these simpler substances will mix into the environment and do not cause any harm to the environment. Lekin jo non-biodegradable substances hote hain, after all, they cause different type of environmental pollutions. Water pollution, air pollution, soil pollution. In this manner, they are harmful for us. You know that plastics hote hain, iska aajkal jo hota hai, wo disposals ki tarah bahut zyada istemal hota hai. Aur ye disposals hote hain, different type ke jo disposal hum kaam lete hain, after all, ye kahan jayega? गार्बेज में जाएगा और वो एनवायरनमेंट के लिए पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है. तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, नाउडेज बायोप्लास्टिक इज मेड, इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ सम कॉर्न स्टार्च एंड लाइक वेजिटेबल ऑयल. उससे जो है कॉर्न स्टार्च और वेजिटेबल ऑयल से जो ये डिस्पोजल्स जो बनाए जाते हैं, दे आर इको फ्रेंडली, दे विल नॉट कॉज एनवायरनमेंट पोल्यूशन. We know that plastics are very much useful in different manners for us, but there are many harmful hazards due to disposal of plastic. Because after all, plastic is such type of thing which goes to garbage only. And if it is not disposed properly, then it can cause many such problems which can be fatal. So here, point wise, we will understand how this disposal can cause problems. First, when burn, it can cause toxic gases. और उससे हमें एयर पोल्यूशन हो सकता है. यू ऑल ऑफ यू नो दैट प्लास्टिक जो होते हैं वो कार्बन कंपाउंड्स हैं, और जब इनको जो है वो दे कैन बर्न, वो जल सकते हैं, और जब इनको बर्न किया जाता है तो बहुत सारी हार्मफुल ऐसी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं. सेकेंड पॉइंट, इफ दीज आर डंप्ड इन वाटर, पानी में अगर जो है इसको छोड़ दिया जाता है तो किसी न किसी तरीके से पानी को जो है वो ख़राब कर सकता है. दो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और वो पानी के लिए भी जो है वो इनर्ट है, केमिकल्स के लिए भी इनर्ट है, बट वॉट हैपन आफ्टर और लॉन्ग टाइम पीरियड में जाकर के वो नुकसान देता है, एक चीज. दूसरी चीज, जब डंप किया जाता है तो गार्बेज का ढेर जो होता है वो पानी के अंदर इकट्ठा होता है. इन दिस मैनर इट कैन कॉज पोटेंट पोल्यूशन. थर्ड थिंग, इफ इट इज डंप इन द लैंडफिल्स, वी नो दैट जो भी गार्बेज होता है वो सिटी के बाहर एक आउटर एरिया में लैंडफिल. लैंडफिल क्या होता है? लैंडफिल इज अ लो लाइन एरिया, मतलब जमीन में एक ऐसा बड़ा लार्ज साइज पिट बनाया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, एंड इन दैट पिट ऑल टाइप ऑफ और सच गार्बेज विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, उस गार्बेज को वहाँ पर डंप किया जाता है. जैसे कि प्लास्टिक रैपर्स वगैरह जो होते हैं, सच टाइप ऑफ थिंग्स, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह जो होते हैं, डिस्पोजल्स है, ऑल सच थिंग्स विच आर डंप्ड इन द लैंडफिल, तो वो सॉइल पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्लॉगिंग्स ऑफ ड्रेन्स एंड सीवर लाइन्स. अगर किसी भी कारण से प्लास्टिक जो होता है वो ड्रेन्स में पहुँच जाता है, सिविल लाइन से पहुँच जाता है, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो डिकम्पोज नहीं होगा, इट विल नॉट डेस्ट्रॉय, एंड व्हाट विल हैपन, इट विल चॉक और ब्लॉक द ड्रेन्स एंड सिविल लाइन्स, और इससे जो है वो डिफरेंट अदर जो प्रॉब्लम्स हो सकती है हमें वो होगी. देन फूड पैकेट्स जो होते हैं, जैसे कि आपके जो जैसे चिप्स वगैरह हैं, डिफरेंट टाइप के जो पैकेज्ड फूड जो होता है वो, इन सब को जो प्लास्टिक में पैक किया जाता है, आफ्टर यूजिंग दैट फूड, उस फूड को बाहर निकालने के बाद उन पैकेट्स को जो है वो कहीं भी फैला दिया जाता है. तो एक तो वो चीज़ होते है, इट विल मेक दैट प्लेस डर्टी, जहाँ पर उसको जो है वो फेंका गया तो थ्रो किया गया. आफ्टर दैट सेकेंड थिंग वॉट विल हैपन, दैट ब्रीडिंग ऑफ द जर्म्स, दैट मीन्स वो जो फूड आइटम है उसमें डिफरेंट टाइप के जो है वो जर्म्स डेवलप हो सकते हैं उस उन फूड पार्टिकल्स की वजह से, और दिस कैन कॉज अनदर प्रॉब्लम, बहुत सारे डिजीजेज जो भी उससे फैल सकती है. देन नेक्स्ट इज अगर एनिमल्स, सपोज जैसे काउज वगैरह जो होते हैं, दे ऑल ट्राई टू
search their food anywhere. तो उन्हें कहीं भी जो food मिलता है या कहीं भी garbage में से भी वो अपना food जो होता है वो open करने की कोशिश करते हैं. From there if they eat or food or at the same time अगर ये step का plastic जो होता है वो खा लेते हैं, they अगर वो किसी भी कारण से उनके respiratory tract में चला गया या फिर जो digestive tract में चला गया, that can cause problem after all, जो है उस animal की death भी हो सकती है. So ये बहुत ज़्यादा problematic हो सकता है. Then जो plastic जो होता है उसमें बहुत सारे जो है वो colors वगैरह भी add किए जाते हैं, और plastic में जो different जो materials जो काम में लेते हैं, the chemicals which are used to make the plastic, they can cause cancer. तो मोस्टली जो वर्कर्स जो होते हैं जो वहाँ काम करते हैं उनके लिए भी जो है ये बहुत ही बड़ी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स के लिए भी जो है ये जानलेवा हो सकता है. देन नेक्स्ट इज दैट कि हमें बहुत सारे जो थर्मोप्लास्टिक होता है इट कैन बी रिसाइकिल, उसको रिसाइकिल किया जा सकता है. और रिसाइकिलिंग करने के समय उसमें डिफरेंट टाइप के जो है वो कलरिंग रिएजेंट्स भी काम में लिए जाते हैं. अगर इस टाइप के रिसाइकिल प्लास्टिक के अंदर फूड आइटम्स को पैक किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है. इट कैन कोज हेल्थ प्रॉब्लम टू द फूड ईटर्स, उसको जो खाने वाले उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं. सो नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय प्लास्टिक. अब ये प्लास्टिक जो होता है ये हम सब जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारे पास 5R. The solution to problems created by plastics is 5R principle. In this 5R principle, we can use these 5 points. और इन points की वजह से जो है हम plastic का use जो होता है वो कम से कम कर सकते हैं, और हम जो है plastic से होने वाले जो problems है, plastic जो एक after all एक garbage का ढेर बनता जाता है end में, उसको जो है वो रोका जा सकता है. हाउ वी कैन डू इट? फर्स्ट रिफ्यूज, यू नो दैट वी शुड अवॉइड टू यूज द प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स. ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है लेकिन कई मामलों में जो है वो जहाँ भी ये पॉसिबल है वी कैन डू दैट. जैसे पॉलीथीन बैग्स है, इन प्लेस ऑफ पॉलीथीन बैग्स वी कैन कैरी विद अस क्लॉथ बैग. कहीं भी हमें सामान कुछ लेने के लिए जाना है तो वी कैन यूज क्लॉथ बैग. हम प्लास्टिक पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल बंद करें, डिस्पोजल्स का इस्तेमाल बंद करें. वी शुड यूज सच टाइप ऑफ यूटेंसिल जिसे वॉश करके हम वापस काम में ले सकते हैं. सच टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन यूज. तो हमें जो है वो प्लास्टिक को रिफ्यूज करना है. पैकेज फूड है उसको बना करो, हमें वो न खरीदें हम. तो सच टाइप ऑफ थिंग हम धीरे धीरे करके अगर उसको अवॉइड करने लगेंगे तो वो जो है वो प्लास्टिक का जो उससे उत्पन्न होने वाला जो गार्बेज है वो भी रिड्यूस. नेक्स्ट इज रिड्यूस. रिड्यूस मीन मिनिमाइज यूज ऑफ द प्लास्टिक. प्लास्टिक का मिनिमम यूज जहाँ तक हो सके हम कोशिश करेंगे प्लास्टिक की जगह हम दूसरा काम जो है वो प्रोडक्ट, मेटेलिक प्रोडक्ट्स हैं, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट काम मिले जिससे हम प्लास्टिक के गार्बेज को रिड्यूस कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज री यूज. दैट मीन्स वी कैन डू वन थिंग दैट सच प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स जिसे हम बार बार जो होते हैं वो धोकर काम में ले सकते हैं, हम इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो काम में लेना चाहिए. सो ये री यूज करना चाहिए. और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स सम प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज फॉर सम अदर पर्पजेस ऑल्सो. जैसे बकेट वगैरह जो होता है वो आफ्टर ब्रेकिंग इट कैन बी यूज टू मेक अ पॉट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि हम एक पॉट की तरह हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. या फिर कोई भी जो है वो वेस्ट मटेरियल जो होता है या डस्टबिन भी कैन यूज इट. नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग. थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी गिवन फॉर रिसाइकलिंग. यू नो दैट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है उसकी रिसाइकलिंग नहीं हो सकती, उसे हम बार बार मोल्ड नहीं कर सकते, बट थर्मोप्लास्टिक कैन बी गिवन फॉर रिसाइकलिंग ताकि उसके लिए जो बार बार जो है वो नया मटेरियल इस्तेमाल ना करना पड़े और गार्बेज का जो ढेर वो हमारे पास इकट्ठा ना हो. देन फिफ्थ पॉइंट इज रिकवर. रिकवर मीन्स हम जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको किसी और अदर पर्पज से जो है वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल द ऑयल विच इज़ यूज फॉर ड्राइविंग द व्हीकल्स, वो जो है वो जब ड्राइविंग के बाद एक थिक ऑयल जो बचता है विच हैज टू बी रिप्लेस फ्रॉम द फ्रेश ऑयल, तो वो जो थिक ऑयल जो बाहर निकल के बचा है दैट कैन नॉट बी यूज फॉर व्हीकल्स नाउ, बट इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द एनर्जी एज अ फ्यूल. है ना?
हम उसे जला करके जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसको काम में ले सकते हैं. दिस मैनर प्लास्टिक मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सम अदर पर्पजेज. दिस इज कॉल्ड रिकवर. सो एनी हाउ विद द हेल्प ऑफ दिस 5R प्रिंसिपल हम जो होता है वो जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं. इस टाइप का मतलब वेस्ट मटेरियल जो होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होता है उसको जीरो में कन्वर्ट कर देना. दैट मीन्स होता है वो जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बिल्कुल ना हो. इस टाइप से जो है बाय यूजिंग दीज 5R प्रिंसिपल वी कैन रिड्यूस द गार्बेज टू द जीरो लेवल. ओके नाउ ये सब करने के बावजूद भी हमें जो है किसी न किसी तरीके से एनी हाउ वी शुड ट्राई इन आवर डे टू डे लाइफ टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक एज वेल एज टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ गार्बेज. जैसे सबसे पहला है कि जैसे हमने देखा कि शॉपिंग के लिए जो है वो हमने ये जो रिफ्यूज के लिए पॉइंट में समझा था मैंने आपको पॉलीथिन बैग की जो वी कैन यूज द क्लॉथ मटेरियल्स क्लॉथ बैग्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज वी शुड यूज क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक बैग प्लास्टिक कंटेनर्स एंड प्लास्टिक डिस्पोजल बॉटल्स फॉर रीयूज. देन अगर आपका जो वेस्ट मटेरियल है इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. वेस्ट मटेरियल जो हमारे हाउसेस में जो प्रोड्यूस होता है इट कैन बी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग अलग हो सकता है. सो वी कैन सेग्रीगेट दैम और उन अलग अलग बीन्स में जैसे ग्रीन बिन में ग्रीन जो डस्टबिन है वी कैन पुट डंप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल इन देम. जो वेट वेस्ट होता है जो गीला वेस्ट होता है जो वेज फूड प्रोडक्ट्स से जो ऑप्टेन किया जा सकता है जो एनिमल प्रोडक्ट्स होता है वो सारा जो होता है हमारा क्या है ग्रीन डस्टबिन में जाना चाहिए विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू कम्पोस्ट. एंड द सेकेंड अदर इज विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. जो रिसाइकिल किया जा सकता है दैट कैन बी गिवन टू कबाड़ी वाला. ओके एंड द वेस्ट प्रोडक्ट विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इट विल बी सेंड टू डंप इन द लैंडफिल. So it should be dumped in blue colored dustbin. So हमें garbage को जो सेपरेट रखना चाहिए. इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं ई वेस्ट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से जो वेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है दैट कैन बी गिवन फॉर रिसाइकलिंग. नेक्स्ट इज हमें जो गार्बेज होता है जैसे पॉलीथीन बैग रैपर्स है वी शुड नॉट थ्रो एनी वेयर. जैसे रोड पर फेंक दिया और एनिमल्स ने उसको खा लिया इट शुड नॉट बी सो एयर पॉसिबल लाइन में चला गया ड्रेन में चला गया कैन चॉक दैट. तो इस सब प्रॉब्लम्स में जो है वो फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है बाई थ्रोइंग दैट गार्बेज ऑन द रोड और एनी वेयर एल्स हमें ध्यान रखना चाहिए वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज. हमें जो क्लीनलीनेस का जो है प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए. सो नेवर डिस्पोज ऑफ आर्टिकल्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक इन द सीवरेज सिस्टम. तो प्रॉपरली हमें एनी हाउ वी शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली. हमारी जो हैबिट्स होती है वो कैसी होनी चाहिए एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स होनी चाहिए ताकि हम एनी हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट. दिस इज अवर अर्थ सो वी शुड प्रोटेक्ट इट. अगर हमने इसे प्रोटेक्ट नहीं किया तो वी विल नॉट बी प्रोटेक्टेड. ओके सो टेक केयर. थैंक यू.